हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न, जो कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपको बता दें कि जो ये करंट अफेयर क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और इसके जो आंसर होंगे विथ एक्सप्लेनेशन होंगे, इस तरह से एक्सप्लेनेशन होंगे सारे क्वेश्चन आंसर के। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बना है। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिया होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसका जो सही जवाब है वो है सी केरल। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वाले साइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, याचिका सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और अन्य राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण सुनवाई का अधिकार देने के लिए आर्टिकल 131 के तहत दायर हुई है। गौरतलब है कि इसमें पहले केरल विधानसभा के CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कानून के खिलाफ करीब 60 याचिका पर सुनवाई कर रहा है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ करंट अफेयर का। दूसरा प्रश्न है, लाहौर कोर्ट ने पाकिस्तान को किस पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। तो इसका आप लोगों को सही जवाब देना, आपको सही जवाब इसका बता देता हूं मैं। इसका सही जवाब है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जारदारी, ममून हुसैन, वसीम सज्जाद। और इसकी सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है परवेज मुशर्रफ। जब तक मैं आप लोग के साथ ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट में सही जवाब देने का। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और आपके जो ऑप्शन है वह है 14 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी या 2 जनवरी। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है 12 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में ICCI द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टॉक्स, पैट कमिंग्स। आपको सही जवाब मैं बता देता हूँ, सही जवाब इसका है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है JP त्यागी, MP महेश्वरी, RR रोडिंग्स या बिमल मनुजा। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है MP महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6th बैठक आयोजन किया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवार को नौकरी खोजने में मदद के लिए रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है रोजगार संघी ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार। और अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन है आपको कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी।
अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? और आपके जो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या तिब्बत। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है तिब्बत, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? और आपके जो ऑप्शन हैं वो है मिखाइल बी मुस्तिन, जॉर्ज एल्बर्ट कोस्तान, जेनेट मैक्सिमम, बी एस विलियम। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है मिखाइल बी मिसुतिन, इन्हें रशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो आज के लिए वीडियो में कुछ इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।